हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये पर्सलेन और पोर्चुलका के फूल हैं। मैंने इन्हें कई बार अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है, लेकिन आज फिर से मैं इसी पर वीडियो लेकर आई हूँ। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्सलेन एंड पोर्चुलका का पूरा वही बेड है जो मैंने बनाया हुआ था, और इस बेड में कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। मानो कि फूलों का बिस्तर लगा हुआ है, इस तरह से ये दिख रहा है, और मेरे गार्डन को ये एक नया ही लुक दे रहा है। आज की वीडियो में मैं अपने ये फूल दिखाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने पर्सलेन और पोर्चुलका के प्लांट लगाए हुए हैं तो उन्हें आप बाहर रखिए, ऐसी जगह जहाँ की थोड़ा बारिश का पानी उन्हें मिल सके। बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। काफ़ी बारिश का पानी इतना पावरफुल होता है कि जब वो प्लांट में पड़ता है तो प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी कर देता है, और साथ ही साथ उसमें जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं और प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होने लगती है। तो चलिए, आज इस फूल को दिखाते हुए, इन फूलों को दिखाते हुए मैं कुछ ख़ास बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये वही बेड है जो मैंने बनाया हुआ था, और छोटी छोटी कटिंग लेकर के मैंने इन्हें लगाया हुआ था। कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। अगर उन दिनों की सोची जाए जब मैंने इनकी बहुत छोटी छोटी कटिंग ली थी, तो शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ये फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैं हर साल समर में ऐसे ही इन्हें तैयार करती हूँ और ऐसी ही इनमें फ्लावरिंग होती है। तो इन फूलों को अगर इस तरह से खिलाना है तो थोड़ी मेहनत शुरू में करनी पड़ती है। जो भी छोटे बड़े पॉट मिले उनमें इनकी छोटी छोटी कटिंग लगा दीजिए, तो दिन बाय दिन वो ग्रोथ पे ही होते हैं और फिर उनकी ग्रोथ चल पड़ती है। और जब ब्रांचेस थोड़ी लंबी हो जाती हैं तो उनसे कटिंग बहुत ही ईजली लेकर के और भी तैयार की जा सकती है। इस तरह से मैंने कई पॉट बनाए और सभी को मैंने यहाँ पर रखा था। जब मैंने छोटी छोटी कटिंग लेकर के पॉट यहाँ पर रखे थे तो उस समय किस तरह से लग रहा था, ये हमारी आप पुरानी वीडियो में देखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब इस वीडियो में आप देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वही बेड है जो मैंने उस समय बनाया हुआ था। कलर के हिसाब से मैंने अपने गार्डन में इन्हें ऐड किया हुआ है, और मैं जब भी नर्सरी जाती हूँ सीज़न पे इनके एक अच्छे कलर ज़रूर लाती हूँ, और उन कलर को मैं बचाती हूँ, और बचाने के साथ साथ फिर मैं उनसे नए प्लांट तैयार करती हूँ। ये बारिश के पानी से ख़राब होते हैं, लेकिन अभी जो शुरुआत का बारिश का पानी है उनसे नहीं ये ख़राब होते हैं। उन दिनों इनकी पानी मिलते ही अच्छी ग्रोथ होने लगती है और ये इस तरह से दिखने लगते हैं मानो कि इनमें और भी तरोताज़गी आ गई हो। तो अभी इनमें बारिश का पानी मिला है और इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सभी फूल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें जो भी ब्रांचेस लैगी हो गई हैं, यानी कि जो लंबी हो गई हैं, नीचे की तरफ लटक रही हैं, उन्हें मैं तोड़ती जाती हूँ। फालतू लटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जितना ही घना होता है उतना ही अच्छा लगता है ये प्लांट। तो जो भी लैगी ब्रांचेस होती हैं उन्हें मैं तोड़ करके फिर इसी में वापस धसा देती हूँ, जिससे कि अच्छी ग्रोथ होने लगती है। अभी मैं पिछली बार जब नर्सरी से इनके दो प्लांट लाई थी तो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था, उसमें एक एक फूल आया हुआ था, वो ये है, ये वाला येलो है। इसमें आप देखेंगे तो दो तरह के येलो हैं। ये लाइट लेमन येलो जो है ये मैं लेके आई थी मार्केट से, और ये येलो मेरे पास पहले से था। यहाँ पर देखेंगे तो ये रेड कलर का इसमें फूल आया हुआ है, ये मैं पहले ये मैं अभी लाई हूँ, और इसमें जो मजंटा वाला फूल है ये हमारे पास पहले से था। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ और अपने गार्डन में उन्हें बचाती हूँ, और फिर उनकी छोटी छोटी कटिंग लेकर के फिर लगाती हूँ। ये गाजरी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, गाजरी कलर मेरे पास पहले से थे और मैंने इन्हें 3-4 सालों से बचा करके रखा है। मैं क्या बताऊँ, अगर आपने छोटी सी भी कटिंग इसकी लगा दी तो वो लग जाती है, बस आप उसे नमी वाली मिट्टी में लगाइए और पानी देते रहिए, तो इनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ शुरू होता है, और फिर उनकी जो भी ब्रांचेस हों उनसे आप नए प्लांट बनाते रहिए, तो इस तरह से एक बेड बन करके तैयार हो जाता है। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, और जब भी मैं टेरेस पे आती हूँ तो ये 9 बजे के बाद खिल जाते हैं, इनसे गार्डन पूरा भर जाता है फूलों से और देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मैं थोड़ा एक बार दूर से दिखा दूं,
इनको पानी में बराबर देती हूँ। इस तरह से इसका लुक आता है। और पानी देने से क्या होता है कि मिट्टी में नमी बनी होती है, तो इसका प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो जब भी आप इसे लगाते हैं तो इसकी मिट्टी में नमी बना करके रखें, जिससे कि इसके प्लांट ऑलरेडी काफ़ी दिनों तक खिलते रहें और बने रहें। फिर आने वाले समय में आप उसकी कटिंग लेकर के और भी प्लांट लगाएं। और इस तरह से ये हमारे गार्डन में खिल रहे हैं। आने वाले सीज़न में यानी अगले साल भी मैं इसी तरह से कुछ लुक दूंगी, और आप वो भी देखिएगा कि मैं किस तरह से फिर से इन्हें तैयार करूंगी। हालांकि सीज़न जाते जाते ये गायब हो जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा ये रेनी सीज़न में नहीं चलते हैं, ज़्यादा पानी से ये ख़राब हो जाते हैं। तो अभी तो इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, इनमें एक दो ही बारिश पड़ी हुई है, और जब पूरी बारिश आ जाती है उस समय ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होते हैं। उन दिनों इन्हें बचाना ज़रूरी होता है आगे के लिए, ताकि हम इनके प्लांट्स तैयार कर सकें, और इसी तरह से इनका सिलसिला चलता रहता है। फ़िलहाल अभी जब ये इस पोजीशन पे हैं, इस फ्लावरिंग पे हैं, उस समय इनमें जो भी घास वगैरह हो उन्हें निकालते रहिए। और अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई देना चाहते हैं तो फलों के छिलकों वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। वैसे मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है इनमें, मैंने DAP के कुछ दाने दिए थे, वो भी कब, जब इनकी ग्रोथ हो रही थी उस समय मैंने DAP के दाने दिए हुए थे। और फिलहाल तब से ये हमारे गार्डन में इसी तरह से बने हुए हैं। केवल इनको जीने के लिए पानी ज़रूरी है और धूप मिलनी चाहिए, इसी तरह से ये हमारे गार्डन में चल रहे हैं। तो यही सब था हमारी इस वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।